गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में क्या मैं लाइव हो चुका हूं एक्जैक्टली गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में माय नेम इज सब्जेक्ट मिश्रा आई एम यूर जी एजुकेटर आप देख रहे हैं हमारी क्लास करंट अफेयर शो आई होप गाइज के अब अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और आज कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं वो हम सारी बात करेंगे आपसे नाइनटीन में करंट अफेयर्स ठीक हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और हमारे पास आज कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसकी बात करेंगे दोस्तों पहले तो हम बात करेंगे अपने क्लास की स्पेशल क्लास स्केड्यूल जो कि अनकेडमी भी होती है रात में टेन टेन पर टाइमिंग देख लीजिए तो रोज रात में टेन टेन पर जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उस पर एम हम यहाँ पर कराते हैं आपको ठीक और आज जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन है तो नाइनटीन मे दो आपकी डेट है ये क्लास डेली आपकी होती है अन अकेडमी स्पेशल पे कल हमारी क्लास हुई थी और कल के टॉप टेन बच्चे जो हमारे हैं टेस्ट में वो देख लीजिए सुजीत कुमार अभी मरूफ मृगांक मधुबाला मिस्टर विकास आकाश गजेंद्र सतीभ एंड सुकोमल मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड बच्चे लाइव रहते हैं और उसमें टॉप टेन में ये बच्चे आते हैं तो आपको भी टॉप टेन में आना है अपने आपको मोटिवेट करना है तो हमारी क्लास में आइए कैसे मेरी क्लास समझ दोस्तों देखो ये है अनकंड प्रोफाइल मेरी तो यहाँ मुझे आप फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे सारे फ्री लेक्चर्स पेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ठीक तो देख लीजिए मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की और स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे स्टार्टिंग हम रैंकिंग रिपोर्ट और डी से करेंगे और यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि भारत नंबर चार का देश बन गया है फोर्थ नंबर बन गया है किस मामले में अगर हम कार की बात करें व्हीकल की बात करें ऑटोमोबाइल की बात करें उसकी बात करें तो हमने अभी जर्मनी को छोड़ दिया पीछे ठीक मतलब क्या देखें दोस्तों यहाँ पे यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं इंडिया ओवरटेक जर्मनी टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट ठीक तो इंडिया ने जर्मनी को छोड़ दिया पीछे और इंडिया चौथा सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट बन गया है ठीक है यहाँ पर व्हीकल मार्केट सेल की हम बात कर रहे हैं हमने कितनी गाड़ियाँ बेची उस मामले की बात करें तो हमने जर्मनी को छोड़ दिया पीछे और चौथे नंबर का देश बन गए हम ठीक है इन संख्या इन नंबर्स क्या मतलब इसका है पूरा और इतने आगे डीप में दोस्तों देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एक रिपोर्ट आई है रिलीज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्ट कंस्ट्रक्टेटर्स डी ऑटोमोबाइल ये नाम है इसका इन शॉर्ट ओ ठीक देख लीजिए तो एक रिपोर्ट आई है रिलीज बाय द ओ ठीक इंडिया हैज सरपास जर्मनी इंडिया ने जर्मनी को सरपास कर दिया टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड ठीक यानी मेन मुद्दा हमारा क्या है कि इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट बन गया हमने जर्मनी को छोड़ दिया पीछे एक रिपोर्ट आई है रिपोर्ट निकाली है ओ ने ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमाइल नाम है इसका होने

नंबर टू पे एंड जापान नंबर थ्री पे इंडिया नंबर फोर पे ठीक देखिए, अब यहां पर हम क्या बात करेंगे डिस्पाइट द कोविड नाइनटीन पैंडेमिक मतलब कोविड नाइनटीन पैंडेमिक के बावजूद भी इंडिया सोल्ड थर्टी सेवन लैख्टी नाइन थाउजेंड नाइन्टी एट थर्टी सेवन लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड नाइनटी एट व्हीकल्स इन ट्वेंटी वन एज कंपेयर टू ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइनटीन व्हीकल इन द जर्मनी यानी देखो भारत ने सैंतीस लाख सैंतीस लाख उनसठ हजार तीन सौ अट्ठानबे गाड़ियां बेचीं वहीं जर्मनी ने ट्वेंटी नाइन लाइक यानी काफी बड़ा गैप है ठीक दिस इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ ग्रोथ एंड वनली कंट्री टू रजिस्टर डबल डिजिट ग्रोथ अमंग द टॉप फाइव कंट्रीज यानी भारत ने जो सेल किया है अगर हम 2020 से कंपैरिजन करें तो हमारे देश में सेल की बढ़ोतरी 26 परसेंट है भले कोविड 19 था और अगर टॉप फाइव कंट्री की बात करें तो भारत देश था केवल जहां पे डबल डेट में ग्रोथ हुई ट्वेंटी सिक्स परसेंट तो एक पॉइंट हमारा ये है तो एक ये समझ लीजिएगा हम क्या बात कर रहे हैं तो हमने यह नंबर था आपको कि भारत ने थर्टी सेवन लैक फिफ्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटी एट वहीकल सेल किए तो ये दो हजार इक्कीस की बात हम कर रहे हैं आपसे ठीक अगर हम दो हजार बीस से कंपेरिजन करें तो मतलब ग्रोथ है ट्वेंटी सिक्स परसेंट और भारत ही दुनिया में ऐसा देश था टॉप फाइव कंट्रीज में जिसने डबल डेट में ग्रोथ हासिल की एक पॉइंट हमारा ये हो गया ठीक है आगे बढ़ते गेस्ट देखिए अब क्या बोला गया इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बाई दो यानी भारत ये देख रहा है कि 2025 आते आते हम तीसरे नंबर के सबसे बड़े व्हीकल मार्केट बन जाएंगे लेकिन उसके लिए हमें जापान को पीछे करना पड़ेगा क्योंकि जापान ने दो तो में चौवालीस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चालीस गाड़ियां बेची थी दोस्तों ध्यान रहे एक बात पॉपुलेशन जापान बहुत छोटा देश है और हम बहुत बड़े देश हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन तब भी जापान हमसे बहुत आगे हमने थर्टी सेवन गाड़ियाँ बेची फोर लाइक हम तीसरे नंबर की तो रेट आपके सामने ठीक आप है, है तो यहां पर हमने आपसे तो इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वेहीकल मार्केट के बारे में ठीक है हमने क्या पढ़ा दोस्तों तो इंडिया ओवरटेक जर्मनी और इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है व्हीकल मार्केट का पहले पे चाइना है नंबर टू पे यूएसए है नंबर थ्री पे जापान है नंबर पे इंडिया है नंबर पे जर्मनी हो गया और नंबर सिक्स पे यूके हो गया और ये तो हमने पढ़ लिया अब ये रिपोर्ट किसने निकाली है ओ ने ठीक है और क्या बोला गया है कि इंडिया ने दो में थर्टी सेवन लैखी सेवन लैखी नाइन थाउजेंड थ्री नाइन्टी एट गाड़ियाँ ना बेची हैं वहीं जर्मनी ने ट्वेंटी नाइन लैख करीब गाड़ियां बेची हैं और अगर दो हज़ार बीस से कंपेरिजन करें तो छब्बीस परसेंट का ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ सेल ऑफ कार वही का मतलब और भारत देश ऐसा है जिसने टॉप फाइव में डबल डिजिट ग्रोथ की है फिर हमने क्या पढ़ा पड़ा कि दो हज़ार पच्चीस आते आते भारत दिख रहा है अपने आप को तीसरे नंबर के सबसे वहीकल मार्केट लेकिन उसके लिए हमें जापान छोड़ना पड़ेगा पीछे बिकॉज जापान ने दो हज़ार इक्कीस में करीब करीब फोर्टी फोर लैख गाड़ियाँ बेचीं तो ये इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको दे दिया देख लीजिए आप ठीक है चलिए अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब तेल भराना सपना है तो देखिए मैं इस मुद्दे पे जाऊंगा नहीं फिलहाल ठीक है मुझे इतना मालूम है कि खर, मतलब महंगाई तो है इन्फ्लेशन तो है इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपने पढ़ा कि पिछले आठ साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ यानी आठ साल पहले ऐसी महंगाई थी ना मतलब कहने का मतलब तो दोस्तों इन्फ्लेशन है उसका रीज़न भी आप लोग जानते हैं और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा अगर आपने मुझसे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन हमेशा आपके सामने रहेगा इन्फ्लेशन जा ही नहीं सकता है और मजे की बात यह है जितना पैसा आप कमाओगे खर्च करोगे उतना इन्फ्लेशन भी आएगा हालांकि अभी का इन्फ्लेशन का रीज़न कुछ और है है ना तो फ़िलहाल उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पर तो ये हमारा पहला सेगमेंट था रिपोर्ट इंडिस रैंकिंग का जो हमने आपको दे दिया आ, इन टर्म्स ऑफ तो द व्हीकल अब बात आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग अपॉइंटमेंट और रिजाइन की और यहां पर हमारा पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन इन्हें पिन लैब्स का चीफ पीपल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है विजय लक्ष्मी को विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन को पाइन लैब्स सॉरी पाइन लैब्स पाइन लैब्स का पाइन लैब्स का चीफ पीपल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वॉट इज द मीनिंग ऑफ चीफ पीपल ऑफिसर इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी स्ट्रैटी है हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमारा मिशन है विजन है वो अबाउट टू कस्टमर है कि नहीं है मस्टर मतलब कस्टमर सेंट्रिक होना आपकी पॉलिसी का कस्टमर सेंट्रिक होना बहुत ज़रूरी है पिनलैप की बात करते हैं दोस्तों पाइनलैप कंपनी क्या है जब आप किस दुकान पर जाते हो डेबिट कार्ड लेकर और एक मशीन में स्वाइप करते हो जैसे आपने स्वाप मशीन नाम दे दिया है एग्जैक्टली exactly इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन तो पाइन लैप्स हमारे देश में स्वाइप मशीन बनाती है बहुत बड़ी कंपनी तो पाइन लैब्स की चीफ पेपल ऑफिसर अपॉइंट हुई है विजयलक्ष्मी स्वामीनाथन ये पोस्ट काम क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको दोस्तों देखिए यहां पे तो पाइन लैब्स हैज अपॉइंटेड विजयलक्ष्मी स्वामीनाथन एज द कंपनीज न्यू चीफ पेपल ऑफिसर तो कंपनी की नई चीफ पेपल ऑफिसर ये अपॉइंट हुई है नाम क्या है विजयलक्ष्मी स्वामीनाथन ठीक दोस्तों इनके बारे में बात करें तो ये अमेजोन में थी अभी तक ये अमेजोन में काम कर रही थी एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चीफ मैनेजर थी चार

2017 तक ये डिप्टी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एस एस मुंडरा को अपना नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी आप लोग नाम जानते हैं ना देखिए दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज बी मतलब हमारे देश का शेयर मार्केट बी एस सी हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द एस एस ठीक द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स यानी बीएससी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके चेयरमैन या सिंपल लैंग्वेज में बीएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मिस्टर जी ठीक है देख लीजिएगा बीएससी के नए चेयरमैन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बने हैं एस एस मुंदरा जी बने हैं ठीक है ये कौन है भैया तो ये रिटायर्ड डिप्टी गवर्नर है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन जुलाई सेवनटीन ठीक है तो मतलब सेवनटीन तक ये थे तीन साल का इनका टर्म था अब चूंकि हम लोग तो पहले से पढ़ा रहे हैं तो हमें याद इनका नाम तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं ठीक तो ये पॉइंट है हमारे पास देखिए देखिए मेरी बात समझिएगा एक्चुअली दोस्तों होता है क्योंकि हमारा हमारा जो एम होता है वो होता है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो सकती है लेकिन मिलेगी जरूर आपको है ना इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो सकती है लेकिन मिलेगी जरूर आपको ये मेरा वादा आपसे ठीक है तो यहाँ पर हमने बी की बात कर ली न्यू चेयरमैन आपके सामने नाम है एस एस मनोराजी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे आपसे अबाउट द बी आपको बताया गया इस बी पूरे एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है ओल्डेस्ट शेयर मार्केट इस्टेब्लिशमेंट ईयर एटीन ठीक बी का हेड क्वार्टर मुंबई में है एंड आशीष चौहान इज़ द सी ऑफ द बी आशीष चौहान इज़ द सी ऑफ़ बी अगर आप लोग कैपिटल मार्केट मुझसे पढ़ेंगे इन फ्यूचर तो आपको मेरी क्लास में बीएससी के बारे में और बात बताई जाएंगी जैसे प्रेमचंद रॉयचंद प्रेमचंद रॉयचंद प्रेम इज द फाउंडर ऑफ द बी एस चंद। इज फाउंडर ऑफ द बीएससी ये भी याद कर लीजिएगा ठीक है चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों अब यहां हम क्या बात कर रहे हैं एलिजाबेथ बॉर्न अपॉइंटेड एज द फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर तो एलिजाबेथ बॉर्न की बात करें ये फ्रांस की न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों देखिए एलिजाबेथ बॉर्न मिनिस्टर आपको बताया गया इसकी फ्रांस में इलेक्शन हुए इलेक्शन के बाद इमानुअल मैक्रोन वापस से रीअपॉइंट हुए तो इमैनुअल मैक्रोन ने नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया अपने लिए ठीक है हमारे यहां इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज द लाइक किंग है ना राष्ट्रपति के पास नाम मात्र का मतलब पावर है मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है वहाँ मेन जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक अ फेस है ना देखो तो यहाँ पर हम क्या बात करें एलिजाबेथ बॉर्न वाज अपॉइंटेड फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर शी बिकम वनली द सेकेंड वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ टू होल्ड द पोस्ट यानी फ्रांस के पूरे इतिहास में ये केवल दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है फ्रांस के इतिहास में ठीक है तो ये भी वॉइंट हमारे पास है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं बॉन्ड की बात करें द लेबर मिनिस्टर इन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन प्रीवियस गवर्नमेंट सक्सीड जीन कास्टेक्स यानी जब दो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो यहां पर जीन कास्टेक्स ये थे क्या पहले प्राइम मिनिस्टर जब ये प्राइम मिनिस्टर थे दैट टाइम पर ये जो आपकी बॉन्ड थी ये थी क्या लेबर मिनिस्टर इनके पास कौन सी पोस्ट थी लेबर इंप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री थी इनके पास और अब ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए यानी एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो जीन कास्टेक्स जीन कास्टेक्स रिप्लेस किया ठीक है देख दोस्तों तो नवीन सर नवीन सर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर नॉट uh, मोदी जी मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाइक मनमोहन सिंह की बात करें उसके मतलब हमारे देश में इस पावर किसके पास है प्राइम मिनिस्टर के पास है मैं ये बोलना चाह रहा था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और तुम लोग मेरे मुंह से कुछ चाहते निकल निकल मैंने कुछ बोल दूँ है ना लेकिन मैं बोलूँगा नहीं मैं बड़ा समझदार हो गया हूँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हें क्या सुनना पसंद है मैं वही बोलूँगा तुम्हें क्या सुनना पसंद है कि देश में महंगाई है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है लोग परेशान हो रहे हैं मैं वही बोलूँगा जो आपको पसंद है मैं वही बोलूँगा हमेशा मैं अपनी राय कभी नहीं लिखूँगा अभी यहाँ पे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की शी ऑल्सो सर्व एज द फ्रांस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ठीक है इतना डीप में पढ़ना नहीं है हमको तो हम आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब बात करेंगे अबाउट फ्रांस कैपिटल पैरिस करेंसी यूरो प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नीतू बोली आज खुल के बोलो सर अच्छा ताकि मैं बोलूं फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ और बोलो सर आपने रिस्पेक्ट खो दी है ना मैंने आपको कुछ बिगाड़ा ना मैंने कुछ कमेंट किया आपको ना आपके फैमिली को कुछ भी नहीं किया और मैंने रिस्पेक्ट खो दी अपनी हाँ <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे नेक्स्ट टर्म हमारा बैंकिंग फाइनेंस और इकॉनमी है ठीक है हम इससे बात करेंगे आपसे बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी क्या क्या हमारे पास पॉइंट है हम बात करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि आप बच्चे हैं अभी मतलब बच्चे ही तो हैं आप लोग अभी है ना आप लोग तो चीज़ों को भूल जाते हैं तो रिवाइज़ करवाना मेरा काम है तो मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया अभी तक एक बार देख लेते हैं ठीक है तो पहली बात हमने क्या बात की कि इंडिया ओवरटेक जर्मनी और इंडिया पूरे दुनिया में चौथे नंबर का देश बन गया है इन टर्म्स ऑफ द सेल ऑफ़ द व्हीकल्स है ना और पहले नंबर पे चाइना है नंबर टू पे यूएसए नंबर थ्री पे जापान है नंबर फोर पे इंडिया नंबर फाइव जर्मनी एंड नंबर सिक्स यूके ठीक अगर हम बात करते हैं इक्कीस दो की तो इंडिया ने लगभग थर्टी सेवन ,00 लैख गाड़ियाँ बेचीं जर्मनी ने ट्वेंटी नाइन लाख इंडिया में ग्रोथ ट्वेंटी सिक्स परसेंट इंडिया केवल एक देश था टॉप फाइव कंट्री में जिसने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है ठीक है फिर हमने क्या पढ़ा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 तक वो थर्ड नंबर का लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन जाए और उसके बाद लेकिन जापान को हमें पीछे करना पड़ेगा जापान की संख्या बढ़ी है चौवालीस लाख गाड़ियां बेची ठीक है <laughs> अभिषेक आनंद जी थोड़ा ऐसे शब्दों का यूज करने से बचे हैं ना ऐसे शब्दों का यूज करने बचे है? कोई मतलब नहीं है ठीक मैं गुरु और गुरु होते हुए मैं आपके लिए ऐसे नहीं बोल सकता हूं तो आप मेरे लिए ऐसे मत बोलिए कोई फायदा नहीं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बात की विजयलक्ष्मी स्वामीनाथन इन्हें पाइन लैब्स का चीफ पीपुल ऑफिसर अपॉइंट किया गया आपने पढ़ ही लिया इसके बाद हमने क्या पढ़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एस एस मुंद्रा को अपना नया चेयरमैन अपॉइंट किया है यह भी आपने पढ़ लिया ठीक है एस एस मुंदुरा यह क्या थे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना आगे दोस्तों फिर हमें क्या पढ़ा एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं 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 और ये सकेंड लेडी सकेंड लेडी जो कि बनी है प्राइम मिनिस्टर इन्होंने जेन, जीन कास्टिक्स रिप्लेस कर दिया है तो इकोनॉमी का ठीक है तो आगे देखते हैं क्या पॉइंट यहां पर देखिए पहले इंफॉर्मेशन दोस्तों आईसीआई लोमबार दोस्तों अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं इंश्योरेंस आप लोग जानते जानते हैं जानते हैं बचपन से देखते भी होंगे आप लोग तो हमारे देश में जो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस हमारे देश में दो पार्ट में डिवाइड है ठीक कुछ लोग तीन पार्ट बोलते हैं लेकिन वो गलत बोलते हैं अभी तीन पार्ट नहीं दो ही पार्ट है एक आपका लाइफ इंश्योरेंस है और एक आपका जर्नल इंश्योरेंस है जर्नल इंश्योरेंस लाइफ का मतलब कि जो हम लोग लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं मतलब किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस कराया उसकी डेथ हो गई तो उसके फैमिली को या नॉमिनी को पैसे मिलते हैं लाइफ इंश्योरेंस अपनी जिंदगी का है ना जर्नल का मतलब वैसे होता है नॉन लिविंग थिंग जैसे बाइक का इंश्योरेंस कार का इंश्योरेंस बिल्डिंग का इंश्योरेंस ये सब है ना तो आपने क्या पढ़ा आईसीआईसी लोमबार तो आईसीआईसीआई कंपनी में भी दो कंपनियां हैं एक है आईसीआईसीआई पोटेंशियल ये लाइफ इंश्योरेंस है एंड आईसीआईसीआई सी लोमबार जो है ना बेटा वो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है ध्यान दीजिएगा जर्नल इंश्योरेंस कंपनी ठीक तो आई सी लॉन्चेस प्रोफेशनल इंडेम्यूटी इंश्योरेंस फॉर द डॉक्टर्स अगर आप अभी जब कोई इंश्योरेंस एग्जाम होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंश्योरेंस अवेयरनेस तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडेम्यटी का मतलब क्या होता है अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको हाँ इस न्यूज़ में जो होगा मैं पढ़ा दूंगा आपको दोस्तों डॉक्टर्स की बात करते हैं डॉक्टर्स मतलब जिन्हें हम भगवान मानते हैं दूसरा धरती पर है ना कि भाई डॉक्टर्स हैं तो हम बच जाएंगे ये हमारा इलाज करते हैं लेकिन डॉक्टर भी ह्यूमन होते हैं और ह्यूमन से गलतियां हो सकती हैं ह्यूमन से गलतियां हो सकती हैं और जब गलतियां होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स को इसका बड़ा भारी उठाना पड़ता है uh, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल में किसी बच्चे की मौत हो गई आपने सुना होगा भीड़ घुस गई डॉक्टर का पूरा खाली कर दिया पूरा वो हॉस्पिटल पूरा तोड़ ताड़ दिया पूरा है ना तो डॉक्टर से भी ह्यूमन एरर हो सकता है और उस एरर की वजह से अगर उसे लॉस होता है तो अब ये लॉस बियर करेगी आईसीआईसी लोमबार्ड ठीक है देखिए तो आईसीआईसी लोमबार्ड लॉन्चेस प्रोफेशनल इन इंश्योरेंस फॉर द डॉक्टर्स इसका मतलब क्या हुआ देखिए आईसीआईसी लोमबार्ड एक कंपनी इंश्योरेंस की इसने प्रोफेशनल इंडेटी इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स प्रोफेशनल इंडेनिटी इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स लॉन्च किया है. ठीक इसका मतलब क्या हुआ दिस पॉलिसी हैज बीन क्यूरेटेड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अगेंस्ट द स्कोप ऑफ वेरियस ह्यूमन एरर दैट कैन हैपन वाई द रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू पेशेंट यानी एक डॉक्टर जो है वो अपना प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है लेकिन अगर उससे कुछ ह्यूमन एरर हुआ और उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना तो उस लॉस को बियर करेगी कंपनी हमारी ये आईसी लोमबार्ड ठीक है आई होप की आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ठीक है क्लियर है ये पॉइंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल इंडेमेटी इंश्योरेंस आईसीआईसी लोमबार्ड ने लॉन्च किया डॉक्टर्स के लिए तो ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको आई होप कि ये क्लियर आपको हो गया होगा क्लियर होते ही प्लस वन कर दीजिएगा ठीक है अब यहां क्या बात कर रीजन पॉइंट है हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक एंड आईसीआईसी लोमबार्ड इन्होंने क्या किया था साइबर इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए आपस में एग्रीमेंट किया था ठीक है मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया हुआ रिवाइज भी करवाया हुआ ठीक है थेके? तो ये हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की और यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अबाउट द फ्रॉड कितना फ्रॉड क्या फ्रॉड हुआ हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ हम उसकी बात करेंगे अच्छी खबर क्या देखिए अच्छी खबर है फ्रॉड इन द पब्लिक सेक्टर बैंक डिप ओवर द 51 वन परसेंट टू रुपीज फोर्टी थाउजेंड टू नाइनटी फाइव करोड़ रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया तो आरबीआई ने क्या बताया कि जो हमारे सरकारी बैंक हैं ठीक उनमें फ्रॉड का जो मामला सामने आया है उसका अमाउंट है चालीस हजार दो सौ करोड़ रुपए लेकिन अच्छी बात यह है कि करीब फिफ्टी वन परसेंट कमी देखने को मिली है मतलब इसका डबल कर लो लगभग अस्सी क्या मतलब पचासी हजार करोड़ रुपए पहले वो रहा होगा क्योंकि फिफ्टी वन परसेंट की कमी आई है यहां पे तो फिर से देख आरबीआई ने क्या बोला है कि सरकारी बैंकों में फ्रॉड के केस में कमी आई है अगर फ्रॉड को हम अमाउंट से समझे मतलब तो चालीस हजार दो सौ पंचानवे करोड़ का फ्रॉड हुआ है बैंकों के साथ जो फिफ्टी वन परसेंट कमी देखने को मिली है हमें ठीक है पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे देखें दोस्तों क्या बोला गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा आया है फ्रॉड रिपोर्ट बाई द ट्वेल्व पब्लिक सेक्टर बैंक बारह सरकारी बैंक ठीक तो यहां पर क्या बोला गया कि ऑल कैटेगरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी यानी हम की बात कर रहे हैं जो हमारा बीत चुका है इक्कीस बाईस मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं तो पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में परसेंट कमी देखने को मिली है हमारी ठीक और अमाउंट की बात करें तो चालीस हजार दो सौ पंचानवे करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है ठीक है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू कंपेयर टू इक्यासी हजार नौ सौ इक्कीस मतलब लगभग बयासी हजार करोड़ रुपए 81921.54 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 देखो इसमें देख तो यहां पे क्या बोला गया है 2021 तो 2021 में हमारे देश में 12 सरकारी बैंक हैं इनके साथ फ्रॉड का जो अमाउंट था वो करीब-करीब हजार करोड़ रुपए कैसे 81921 लेकिन 2021 22 में दोस्तों हमारे देश में जो फ्रॉड हुआ है बैंक के साथ उसका अमाउंट कितना है दोस्तों जीट यहां पर फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड का करोड़ देखने को मिला अच्छी बात है ठीक है रिपोर्ट आई थी वो दिसंबर तक की आई थी आप ध्यान से पढ़िए मैंने पढ़ाया है मैं इसे लिए बोलता हूं कि भैया रिवाइज किया पूरा पूरा फाइनेंशियल की बात हमारी हो रही है ठीक है देखिए अब हम ये तो पॉइंट हमारा हो गया आगे बढ़ते हैं हाउ एवर द पेस मतलब ये तो आपने अमाउंट की बात की अब ये जो अमाउंट हुआ होगा वो नंबर ऑफ फ्रॉड से हुआ होगा यानी नंबर ऑफ फ्रॉड कितने हुए ठीक हाउ आर ऑफ फ्रॉड केसेस डिक्लाइन टू सेवन नाइन फोर जीरो दोस्तों सात हजार नौ सौ चालीस केस हुए जिनका अमाउंट था फोर्टी थाउजेंड को जो आपने पढ़ा ठीक ये था बाईस में और जो 21 में आपने पढ़ा इक्यासी हजार करोड़ पहला उसमें नौ मामले सामने आए थे ठीक है जिनका अमाउंट एटी करोड़ भी जो पढ़ा आपने तो जो अगर हम संख्या की बात करें तो बैंकों में फ्रॉड कितना हुआ है सेवन नाइन फोर जीरो सात है चालीस फ्रॉड जबकि इक्कीस में नौ नौ तीन तीन ठीक है तो यह भी देख लीजिएगा डेटा वाला पॉइंट है दोस्तों मुझे पता है कि डेटा से आपको सख्त नफरत है लेकिन अब क्या करें अब जिए तो जिए कैसे बुलाता है जिए तो जिए कैसे बिन जिए के है ना तो डेटा तो करना ही पड़ेगा आपको जिए का यही गाना इसलिए बनाई था आप लोग के लिए जिए तो जिए कैसे बिन आपके लगता नहीं ये दिल कहीं बिन आपके ये सी बात थोड़ी रही डेटा की ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडियस बॉय मुंह बना रहे हैं अरे आपका नाम इतना अच्छा है आप क्यों मुंह बना रहे हैं हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज़ बात करते हैं आपसे अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप, आप लोग भी डेटा देख के बोर हो गए होंगे स्टैब्लिशमेंट ईयर 1935 एक्ट आपके सामने है हेडक्वार्टर गवर्नर श्रुतिकांत दास एंड चार डिप्टी गवर्नर होते हैं आपको बताइए आगे बढ़े दोस्तों अच्छा और यहाँ क्या बोला गया तो ये मैंने बोल दिख दिया यहाँ पे ठीक अकॉर्डिंग टू आरबीआई नाइन मंथ एंडिंग दिसंबर नाइनटी सिक्स ऑफ फ्रॉड वी रिकॉर्डेड बाई से तो मतलब छियानबे इंसिडेंट्स पाए गए थे ठीक सत्ताईस शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये सत्ताईस बैंकों की बात हो रही है ये ट्वेंटी सेवन शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात हो रही थी हाँ तो ये केवल बैंक गवर्नमेंट नहीं हो रही है ठीक है तो ये बताया गया आपको इसमें पूरा हम में दिया हुआ है आपको देख लीजिए यहाँ पे जो आप बोल लो कि एक रिपोर्ट और आई थी और पीएनबी में सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ था 4820 का तो ये अलग इंफॉर्मेशन है और ये अलग इंफॉर्मेशन जो मैंने दी आपको दोनों को मिक्स मत कीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बात करेंगे अब यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड बैंक सैक्शन थ्री मिलियन डॉलर लोन फॉर द श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट ठीक है तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 350 मिलियन डॉलर का लोन दे रहा है ठीक है फॉर द श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट अब ये क्या है इसके बारे में बात करनी पड़ेगी जब भी कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक आईएमएफ एडीबी एआईबी एन आ, ये एनडीबी कोई भी हमारी गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं तो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है नए बच्चे खासतौर सुने तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने श्रेष्ठ गुजरात के लिए कितना पैसा दिया या वर्ल्ड बैंक ने इतना पैसा दिया किस प्रोजेक्ट के लिए तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा ठीक है दोस्तों देखिए क्या है पर मामला तो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव मिलियन डॉलर एड फॉर द सिस्टम रिफॉर्म इन फॉर द ट्रांसफॉर्म चीवमेंट ये है फुल फॉर्म श्रेष्ठ का ठीक सिस्टम रिफॉर्म इन डिवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट यानी नाम से ही मालूम चल रहा है कि हम हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं या शॉर्ट में श्रेष्ठ गुजरात की हम बात कर रहे हैं ठीक है यानी कि श्रेष्ठ गुजरात जो प्रोजेक्ट है बेटा वो हेल्थ जो सेक्टर है उसके लिए है यहाँ पे फुल फॉर्म आपके सामने सिस्टम रिफॉर्म इन रेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट श्रेष्ठ इसके लिए 350 मिलियन डॉलर का पैसा दिया गया ठीक है आगे देखिए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सिस देश गुजरात प्रोजेक्ट जो है इसका खर्चा पांच सौ मिलियन डॉलर का है जिसमें से तीन सौ पचास मिलियन डॉलर यह वर्ल्ड बैंक दे रहा है बाकी का जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी सॉरी द प्रोजेक्ट विल इंक्लूड ट्रांसफॉर्मिंग की हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन द स्टेट यानी हेल्थ सेक्टर जो है उस पर यह प्रोजेक्ट है पूरा यह आपको दिख रहा है तो टोटल कॉस्ट फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है 350 मिलियन डॉलर मतलब 150 मिलियन डॉलर जो है वो गुजरात गवर्नमेंट खुद इस पे खर्च करेगी तो एक पॉइंट हमारे पास क्लियर क्लियर दोस्तों होते ही प्लस आप करेंगे ठीक है कुछ इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कुछ पढ़ना अलग से नहीं है सिंपल आपके सामने लिखा हुआ ठीक है इतना देख लीजिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अबाउट द वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिशमेंट इडक्वार्टर एंड प्रेसिडेंट

दोस्तों वीडियो को लाइक करना है आपको अगर आप शेयर कर पाए तो और अच्छी बात है लाइक बड़े कम होते हैं आपको एक चीज पता होगी कि मैंने मोटिवेशनल कोड देना बंद कर दिया भाई मोटिवेशन नहीं क्यों दूं आपको मोटिवेशन मुझे आपसे भी चाहिए है ना तो अगर आप लाइक करेंगे अगर हमारा लाइक थ्री थाउजेंड पहुंचता है तो आपको पक्का मोटिवेशनल वो मिलेंगे तो मुझे मोटिवेशन आता ही नहीं है आप लाइक करें हम आपको मोटिवेशनल कोड देंगे ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये तो पीएनबी मेटलाइफ लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पहली बार किसी इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे दांतों का ख्याल रखा है मतलब ऐसे लोग होते हैं जो अपने लेग्स का अपने आर्म्स का अपने नोज का इंश्योरेंस कराते हैं हाँ तो वैसे ही क्या है कि हो सकता कोई लोग ऐसे हो जो अपने दांत का इंश्योरेंस कराएं भाई दांत बहुत सही चीज है ना मतलब अगर दांत में खराबी आई तो पूरा चेहरा खराब हो जाएगा आपका तो डेंटल इंश्योरेंस निकाला गया भाई आपके लिए देख लो ठीक देखिए तो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं ठीक हैज भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ठीक है दिस इज इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान टू कवर फिक्स बेनिफिट आउट पेशेंट एक्सपेंस मतलब वही सिंपल सा है कि पहली बार ऐसा हुआ किसी कंपनी ने आपके लिए डेंटल इंश्योरेंस निकाला है अच्छी बात है ठीक है मुझे आप लग रहा है कि रोहित बहुत हंस रहे हैं ये जरूर कराएंगे अपना इंश्योरेंस है ना कल क्लास क्यों नहीं हुई थी ठीक है तो जो नए बच्चे हैं वो जान लें बुधवार को हमारी क्लास होती है हमेशा वो होती है अनकेडमी स्पेशल पे और टेलीग्राम पर पीडीएफ भी दिया गया था और रात में क्लास भी आपकी हुई थी थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है आपको ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अबाउट द पी एन बी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिशमेंट ईयर दो हजार एक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एमडीसी आशीष कुमार श्रीवास्तव ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने देखिए अब नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है एमओ यूज और एग्रीमेंट ठीक तो एमओ यूज और एग्रीमेंट में हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन होगी एक बार दिखाते हैं आपको देखिए टाटा पावर पार्टनर विद द हुंड मोटर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा इन इंडिया आप देख रहे हैं दोस्तों कि यह न्यूज हमेशा आपको मिल रही है दो कंपनी आपस में कोलाबोरेट कर रही हैं फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए है ना देखिए तो टाटा पावर ने पार्टनरशिप किया विद द हुडाई मोटर ठीक है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा इन इंडिया देखिए दोस्तों तो टाटा पावर कंपनी जानते हैं आप लोग यह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आई है विद द हुडई मोटर इंडिया लिमिटेड ठीक है

समझ गए मतलब हुंडई मोटर्स के जो डीलर्स हैं मतलब जो इनका शोरूम होता है ना वहां पर पावर अपने स्टेशन लगा देगा तो फिर देख लीजिए टाटा पावर और हुंडई मोटर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए तो सिंपल सा पॉइंट है याद कर लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक्विजीशन एंड मर्जर ठीक है देखिए यहां पर हम क्या बात करेंगे यहां पर हम वोडाफोन की बात करेंगे तो वोडाफोन कंपनी इंग्लैंड कंपनी इंडिया में आई ठीक अब धीरे धीरे वोडाफोन जो है वो थोड़ा सा लॉस में जा रही है पहले तो जियो ने कमर तोड़ दी तो, तो आइडिया वोडाफोन मर्ज हो गया लेकिन वोडाफोन को अब भी लॉस है ठीक तो वोडाफोन अपने नाइन परसेंट शेयर बेच रही है जिसका अमाउंट होगा 4.4 बिलियन डॉलर खरीद कौन रहा है खरीद रहा है यूए कंपनी है ऐति सलाद कंपनी ठीक तो यूएई बेस्ड ऐति सलाद कंपनी है जो कि वोडाफोन के 9.8 परसेंट शेयर परचेस कर रही है इन द 4.4 बिलियन डॉलर में ये बड़ा अमाउंट है तो इसीलिए आप यहां पढ़ पा रहे हो ठीक है यूएई बेस्ड कंपनी है एतिल ऐतिथ एतिसलाथ, एतिसलाथ जो वोडाफोन के नाइन शेयर एक्वायर कर रही है देखिए दोस्तों तो ऐति ग्रुप ठीक ये यूएई की एक कंपनी है ठीक है ये 9.8 परसेंट शेयर परचेस कर रही है वोडाफोन ग्रुप में जिसका अमाउंट होगा 4.4 बिलियन डॉलर ऐति ग्रुप 9.8 परसेंट स्टेक वोडाफोन का परचेस कर रही है 4.4 बिलियन डॉलर में तो एक पॉइंट हमारे पास ये भी भैया देखिए दोस्तों ऐतिसलाद ग्रुप ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर आबुधाबी में है हातिम दोईदर इसके सी है ठीक है तो यहां तक हमने पढ़ लिया नेशनल न्यूज में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रिवाइज करवा दूँ चीजें ताकि आप भूलो ना बच्चे तो आप लोग भी छोटे से है ना देखिए तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है बैंकिंग फाइनेंस से पढ़ना है हमको है ना रिवीजन करना है तो पहला पॉइंट क्या था आई सी लोमबार्ड ने प्रोफेशनल इंडेमिटी इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स लॉन्च किया है ह्यूमन एरर की वजह से कुछ लॉस होता है तो यह कंपनी भरपाई करेगी ठीक एक इंफॉर्मेशन दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक में दो हज़ार में फ्रॉड के मामले में इक्यावन परसेंट कमी आई है अमाउंट की बात करें तो टोटल फ्रॉड का अमाउंट है चालीस हज़ार दो सौ पंचानवे करोड़ रुपए ठीक है ये आपको बताया गया और अगर हम बात करें दो हज़ार बीस इक्कीस से कंपेरिजन करें तो मतलब उसमें फ्रॉड था इक्यासी हज़ार करोड़ रुपए का यानी फिफ्टी वन परसेंट का ड्रॉप देखने को मिला है अगर हम नंबर ऑफ फ्रॉड की बात करें तो सेवन नाइन फोर जीरो इक्कीस बाईस में वहीं बीस इक्कीस में नाइन नाइन थ्री थ्री फ्रॉड्स ठीक है दोस्तों आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट वर्ल्ड बैंक तीन सौ पचास मिलियन डॉलर का लोन दे रहा है गुजरात के श्रेष्ठ प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रेस का मतलब है हेल्थ केयर की बात हो रही है सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट ठीक ये आपने पढ़ी लिया इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे पीएनबी एन मेट लाइफ पहली भारतीय पहली कंपनी भारत में जो आपको डेंटल इंश्योरेंस दे रही है ठीक इतना हमने पढ़ लिया फिर हम आगे बढ़े और हमने क्या बात की टाटा पावर ने होंडई मोटर्स एग्रीमेंट किया हैंडई मोटर्स के डीलर्स के जो स्टेशन मतलब आउटलेट होते हैं वहाँ पर ये अपना लगाएंगे स्टेशन चार्जिंग का ठीक है फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों एथल सात कंपनी है जो कि नाइन शेयर परचेस कर रही है वोडाफोन के फोर बिलियन डॉलर में और ये कंपनी यू की है ठीक है इतना हमने पढ़ लिया दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की नेशनल अफेयर्स में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों ग्रीन को ग्रीन को एक कंपनी है बेसिकली जिसमें इसमें मित्तल जानते हैं आप लोग लक्ष्मी निवास मित्तल इंडिया के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बिजनेसमैन जो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए हैं और दुनिया में सबसे बड़े स्टील किंग हैं इन्हें बोला जाता है स्टील किंग तो लक्ष्मी मित्तल की कंपनी है आर्सिलर मित्तल जो स्टील में काम करती थी तो अब आर्सिलर मित्तल अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रही है इन द ग्रीन प्रोजेक्ट ठीक तो उनकी कंपनी ग्रीन को ग्रीनको सेटिंग अप वर्ल्ड लार्जेस्ट आरई स्टोरेज प्लांट मतलब विश्व का सबसे बड़ा आरई का मतलब एनर्जी स्टोरेज प्लांट मतलब दोस्तों रिनेबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना अलग बात होती है स्टोर तो करना अलग बात होती है, है ना तो स्टोरेज प्लांट की हम बात कर रहे हैं ठीक है देखिए दोस्तों ग्रीनको ग्रीनको ग्रुप इज सेटिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिनेबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट इन दुरनूर आंध्र प्रदेश ये क्या है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रिनेबल रिनेबल एनर्जी का मतलब क्या होता है सोलर पावर विंड पावर ये सब होता है ना इनका स्टोरेज प्लांट प्रदेश में ठीक अब देखिए आगे द 5230 मेगावाट कैपेसिटी 5230 मेगावॉट प्रोजेक्ट इज सेट सेटअप एट दी बिलियन डॉलर यूएसडी मतलब इसकी कॉस्ट आई है तीन बिलियन डॉलर फिर देखो को ग्रुप जो है

टोटल 5230 मेगावाट में से तीन हज़ार मेगावाट इस सोलर 550 मेगावाट विंड ठीक एंड 1680 मेगावाट इस पंप स्टोरेज कैपेसिटी फॉर छः आवर्स यानी जो पाँच या मेगावाट है इसमें 3000 मेगावाट सोलर के लिए है 550 मेगावाट विंड के लिए है और सोलह मेगावाट पंप स्टोरेज के लिए है ठीक है तो ये छः घंटे के लिए स्टोर रहेगा छः घंटे का मतलब बहुत होता है मतलब यहाँ स्टोर करके आप कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो मतलब आंध्र प्रदेश में ये प्रोड्यूस हुआ जनरेट हुआ हमने यूपी को बेच दिया तुरंत फटाक से है ना तो यह इस तरह काम करेगा तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिनेबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट कुरनूल आंध्र प्रदेश में खुल रहा है ग्रीनको कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है थ्री बिलियन डॉलर आश्रम मित्तल का अकेले निवेश छः सौ मिलियन डॉलर का है और यहाँ पे कैपेसिटी पांच हजार दो सौ तीस मेगावाट की है जिसमें से तीन हजार मेगावाट सोलर का है 550 मेगावाट विंड का है और 1680 पंप स्टोरेज का है छह घंटे का पूरा स्टोरेज यहाँ पे रहेगा तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों फाइव जी फिफ्थ जनरेशन फाइव जी दोस्तों फाइव जी की बात करें तो हमारे इंडिया में लगभग ये अब शुरू होने वाला है फाइव जी के आने से चेंजेस क्या हो सकते हैं दोस्तों मेरी बात समझिएगा हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे भविष्य में जो कि 5G पर ही काम करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप 2G काम करते थे 3G आया 4G आया ऐसे बहुत सारे डिवाइस आज हैं जो कि 4G पे काम नहीं कर पाते है ना वो 2G 3G के लिए बने थे उनका वही कैपेसिटी था तो दोस्तों कहने का मतलब कि जब फाइव आ जाएगा तो जो नई नई फिनटेक कंपनी है नई कंपनी जो टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, उनको अपना प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ेगा कि ये 5G से कंपैटिबल है कि नहीं मतलब 5G को आप अचानक से लॉन्च नहीं कर सकते हो क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सर्विस हैं जो कि जिन्हें कंपैटिबल होना पड़ेगा विद द 5G। तो जो फिनटेक कंपनी है टेक्नोलॉजी कंपनी है इनको टेस्टिंग करने के लिए चाहिए एक बेड बेड का मतलब क्या होता है सेंटर देखिए आप दोस्तों पीएम मोदी इंडिया फर्स्ट 5G टेस्ट बेड बी रुपए तो पीएम मोदी ने भारत का पहला 5G जी टेस्ट बेड लॉन्च कर दिया है ठीक टेस्ट बेड का मतलब मैं भी आगे दिखाता हूं आपको जिसकी कॉस्ट है दो सौ बीस करोड़ रुपए दोस्तों देखिए नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है भारत का पहला फाइव जी टेस्ट बेड

220 करोड़ में से बनाया गया द फाइव जी टेस्ट बेड वॉज क्रिएटेड एज एन कोलाबोरेशन प्रोजेक्ट बिटवीन एट इंस्टीट्यूट लीड बाय द आई आई टी मद्रास टेस्ट बेड को करीब करीब आठ इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया जिसे लीड कर रहा था आई मद्रास ये सारे पॉइंट बड़े जरूरी हैं दोस्तों आपके लिए ठीक तो हमने टेस्ट बेड की बात कर ली फाइव के लिए कॉस्ट की बात कर ली दो करोड़ रुपए टोटल आठ इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसे डेवलप किया है लीड बाय द आईआईटी मद्रास ठीक है ये पॉइंट हमारे पास दोस्तों ठीक आगे बढ़ें यहां पे ट्राई के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई है इंश्योरेंस के लिए आई है वैसे ही आपका टेलीकॉम कंपनी के लिए ट्राई ठीक तो ट्राई का स्टेब्लिशमेंट किया नाइनटीन नाइनटी हेडक्वार्टर डेली एंड पी डी वाघेला इज द चेयरमैन ऑफ द ट्राई पी डी वाघेला इज द चेयरमैन ऑफ ट्राई ठीक है आगे बढ़े दोस्तों अब बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज की दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है मैंने आपको पढ़ाया था दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास फ्लोर ब्रिज वियतनाम में खुला आपको मालूम यह चीज है ना हमने सब कुछ पढ़ाया है अब हम क्या बात करेंगे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज सस्पेंशन मतलब जो पिलर पे नहीं होता कहीं पर भी पहाड़ के एक छोर से दूसरे छोर पे ये इस तरह से कर्व के, के साइड से सा होता है तो विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जो है इसका नाम है स्काई ब्रिज सेवेंटी स्काई ब्रिज सेवन टी वन ओपन इन दैक रिपब्लिक चेक रिपब्लिक वही देश है जिसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में अभी जगह मिली है इन प्लेस ऑफ रशिया है ना तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ओपन इन दैक रिपब्लिक कैपिटल प्राग है ना देखो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फूड ब्रिज नाम क्या इसका स्काई ब्रिज सेवन टी वन वॉज ओपन इन दोलनी मोरावा चेक पब्लिक तो चेक रिपब्लिक के डोलनी मुरावा में ये बना है ठीक है देख लेना हिंदी में बना डोलनी मुरवा सॉरी डोलनी मुरवा में ये बना ठीक है, है नाम क्या है स्काई ब्रिज 71 वन सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है ठीक है देखो द ब्रिज कनेक्ट टू माउंटेन राइस एंड हैंग्स 95 फाइव मीटर अब द वैली ऑफ द मिलेंसकी स्ट्रीम ठीक है की स्ट्रीम की बात करें तो मतलब स्ट्रीम का मतलब क्या होता है मतलब कोई गह, नदी वदी यहां बहती होगी ठीक है एक पहाड़ यहां है एक पहाड़ यहां है तो ये कनेक्ट कर रही है यानी इस इस स्ट्रीम से कितना हाइट ऊपर 95 मीटर ऊपर तो 95 मतलब ये बोल सकते हो आपकी जो सरफेस है स्ट्रीम का उससे नाइन्टी मीटर हाइट पर यह है ठीक है नाइन्टी मीटर हाइट पर स्काई ब्रिज सेवन क्यों रखा क्यों नाम क्योंकि ये लंबा है 71 मीटर लंबा है या फिर 2365 फीट लंबा है एंड 1.2 मीटर वाइड है 1.2 मीटर चौड़ा इतना इतना और ज्यादा होगा थोड़ा सा ठीक है तो मतलब 721 मीटर इसकी लंबाई है 1.5 मीटर की चौड़ाई है मतलब 2365 फीट आप फीट में बोलेंगे ठीक है वाज़ कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ द 200 मिलियन क्राउन मतलब क्राउन का मतलब अराउंड 8.4 मिलियन डॉलर ये देख लीजिए 8.4 मिलियन डॉलर तो 200 मिलियन क्राउन बोलिए या फिर 8.4 मिलियन डॉलर बोलिए यह इसकी कॉस्ट है तो ये ब्रिज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं अभी कहानी खत्म नहीं हुई है और देखते हैं क्या पॉइंट है तो क्या बोला गया प्रायर टू स्काई ब्रिज सेवेंटी वन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्पिलियन ब्रिज वॉज हेल्ड एट हेल्ड बाई पुर्तगाल पाँच सौ सोलह मीटर और ब्रिज तो इसके पहले एक रिकॉर्ड था पुर्तगाल के नाम पर पुर्तगाल में एक ब्रिज था जिसका नाम था अरोका ब्रिज इसकी लेंथ थी पाँच सौ सोलह मीटर इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया है हम एक काम करते हैं फिर से पूरा रिटर्न इतना क्या है पढ़ना है देखिए दोस्तों तो वर्ल्ड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज इसको लॉन्च किया गया कहाँ पर चेक रिपब्लिक में इसकी लेंथ है सात सौ मीटर ये 95 फाइव मीटर सरफेस से ऊपर है और सात सौ मीटर ये लंबा है ठीक है देखिए पूरी इंफॉर्मेशन तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फ्रिज जो है स्काई ब्रिज सेवन टी वन इसका नाम है और ये चेक रिपब्लिक में डोलनी मोरवा में बना है ठीक अब ये क्या दोस्तों ये मिलेंसकी स्ट्रीम से नाइन्टी फाइव मीटर ऊपर बना हुआ है ठीक और इसकी लेंथ है सेवन टी वन मीटर मतलब करीब दो हज़ार तीन सौ पैंसठ फिट ठीक चौड़ाई वन पॉइंट टू मीटर ठीक है कॉस्ट दो सौ मिलियन क्राउन या फिर एट पॉइंट फोर मिलियन डॉलर ठीक है और क्या बोला गया तो इसने पुर्तगाल के का ब्रिज का रिकॉर्ड ब्रेक किया जो कि 516 मीटर लंबा था तो ये पॉइंट आपके सामने देख लीजिएगा <coughs> ठीक है तो ये पॉइंट हमारे सामने आगे बढ़ते हैं दोस्तों अबाउट द चेक रिपब्लिक कैपिटल प्राग करेंसी एंड द प्रेसिडेंट मिलोस जैमान इज द प्रेसिडेंट है चेक रिपब्लिक ठीक है आगे बढ़ते हैं ये तो मालूम है आपको दोस्तों तो वियतनाम में क्या खुला लॉन्गेस्ट फ्रूट ग्लास ब्रिज खुला है ठीक है ये हमने पढ़ाया ही आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात करेंगे डिफेंस की और डिफेंस में आपसे हम बात करने वाले हैं राजनाथ सिंह जी की राजनाथ सिंह जी लॉन्चेस इंडिजीनियस नेवी डिस्ट्रॉयर वॉरशिप आईएनएस सूरत ठीक तो राजनाथ सिंह जी ने स्वदेशी निर्मित नौसेना विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस सूरत लॉन्च किया ठीक है आईएनएस सूरत आईएनएस सूरत अब ये क्या है पूरा मुद्दा ध्यान से पढ़िएगा देखिए आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 17th में लॉन्च टू फ्रंट लाइव वॉरशिप एक नहीं दो दो वॉरशिप को लॉन्च किया गया ठीक है और ये दो वॉरशिप को लॉन्च किया गया कहां पे एट द मजगांव डॉक लिमिटेड इन मुंबई तो मजगांव डॉक लिमिटेड से दो शिप को लॉन्च किया गया मुंबई में ठीक है अब ये दो शिप कौन सी हैं एक है आपका आई सूरत ठीक जो कि प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के तहत बना है और एक है आपका आई उदयगिरी जो कि प्रोजेक्ट सेवनटीन ए से बना हुआ है अब ये प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी क्या है सेवनटीन ए क्या है हम बात करेंगे इसकी लेकिन पहले समझ लीजिए मजगांव डॉकयार्ड ने दो शिप दी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक शिप का नाम है आईएनएस सूरत और एक का नाम क्या है आईएनएस एन उदयगिरी तो ये फिफ्टीन बी और सेवनटीन ए क्या है देखो दोस्तों फिफ्टीन बी फिफ्टीन बी हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत हमें चार जिसके तहत हमें चार ना चार शिप बनानी थी हमें चार शिप बनानी थी ठीक इसकी पहली शिप थी आईनएस विशाखापट्टनम दूसरी थी मोरमुगांव तीसरी थी आपकी आईन इंफाल ठीक और चौथी आपके सामने आईनएस सूरत और यह टेंडर मिला था किसको इसको मजगांव डॉक को मिला था देखिए यहां पे यह टेंडर मिला था मजगांव डॉकयार्ड को तो कहने का मतलब प्रोजेक्ट फिफ्टीन जी के तहत चार युद्ध बनाने थे चारों के नाम के सामने विशाखापट्टनम विशाखापट्टनमुगांव इम्फाल और आईनएस सूरत चार शिप बनाने थे चौथा शिप सूरत हो गया हमारा ठीक और दोस्तों अगर हम सेवनटीन ए की बात करेंगे तो सेवनटीन ए जो है इसमें सेवन शिप बनानी है पूरी सेवन शिप ठीक सेवन शिप की बात करें दोस्तों देखो तो चार बनाएगा कौन इसमें से चार बनाएगा आपका मजगांव ठीक और तीन आपका बनाएगा जी ये ये गार्डन रिच वो बनाएगा ठीक जान सुनो मेरी बात सेवनटीन ए और देखो यहां पे ये सात में दोस्तों आपने नाम सुना होगा आईन द्रोणगिरी नीलगिरी इसका नाम क्या है उदागिरी ये सब उस नाम में है। ठीक तो 17 ए क्या है 15 बी क्या है वो हमने इंफॉर्मेशन दिया आपको कितने शिप बनाने वाले हैं इसमें ठीक है देख लीजिएगा आगे बढ़ते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्पोर्ट्स की और स्पोर्ट्स में पहले इंफॉर्मेशन हमारे सामने दोस्तों देखिए हाईलाइट्स ऑफ द ट्वेंटी वन समर डीफ ओलंपिक हेल्थ इन द का ब्राजील जिसमें यूक्रेन ने टॉप किया फिर देखिए दोस्तों डीफ ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं मैंने आपसे हमेशा बोला हुआ है कि किसी भी मतलब स्पोर्ट्स की हम बात करें फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स चल है ना चैंपियनशिप तो ऐसे नहीं पढ़ना आपको सिंगल सिंगल आपको कंप्लीट होने पर पढ़ना होता है हम डी ओलंपिक की बात कर रहे हैं ये खत्म हो चुका है ब्राजील में ही हुआ था मेडल टैली में यूक्रेन ने टॉप किया है पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं देखिए दोस्तों देखिए पहली बात ये चौबीसवा एडिशन था ठीक दो हजार इक्कीस में ये होने वाला था लेकिन बाईस में हो रहा है ड्यू टू कोविड तो समर डी फोल्पिक की हम बात, कर तो बात करें ट्वेंटी फोर्थ एडिशन बात करें दोस्तों तो, ये कहां पर हुआ? Ua, Soul, तो ये ब्राजील में यहां पर हुआ था ब्राजील में ठीक है ठीक द इवेंट वॉज ओपन बाई द माइकल फर्स्ट लेडी ऑफ द ब्राजील तो इस इवेंट का उद्घाटन किया था फर्स्ट लेडी ऑफ द ब्राजील मतलब राष्ट्रपति की जो वाइफ होती हैं नाम क्या है इनका नाम इनका है मिशेल बोल्सनर ठीक है उन्होंने इसको भारण लिया द मोटो ऑफ द इवेंट इज द क्योंकि ये डीफ ओलंपिक है भाई बड़ा इवेंट है स्पोर्ट्स कम फ्रॉम द आवर हार्ट्स तो मोटो क्या था इस इवेंट का स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम द आवर हार्ट्स ठीक और देखिए मैस्कॉट तो इस डी फोलंपिक का मैस्कॉट क्या था मैस्कॉट का नाम था कोटी नीनो देखो यहां पे ये है ये है इमेज ठीक नीनो तो नीनो नाम था मेस्कॉट का नीनो नाम था मेस्कॉट का देख लीजिए ठीक तो नीनो इसका नाम है आगे बढ़ते हैं अ टोटल नंबर ऑफ टू टू सिक्स इवेंट अक्रॉस एटीन स्पोर्ट्स दो सौ छब्बीस इवेंट हुए 18 स्पोर्ट्स के ठीक और करीब करीब दो तीन टू थ्री फोर नाइन पार्टिसिपेट यहां पे आए ठीक है और सेवनटी वन नेशन से लोग यहां पर आए थे यानी 226 इवेंट 18 स्पोर्ट्स 71 नेशन से 2349 एथलीट यहां पर आए हुए थे ठीक है मेडल चली पहले नंबर पे यूक्रेन 138 गोल्ड 138 मेडल पूरा तो 62 गोल्ड सिल्वर 38 एट ब्रॉन्ज थर्टी एट यूएसए पचपन गोल्ड नंबर टू ईरान नंबर थ्री इंडिया नंबर फोर आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन कितने कितने मेडल देते हैं हमने तो ये भी हमने इंफॉर्मेशन दी आपको डीफ ओलंपिक की बात कर रहे हैं फिर एक बार फिर से पूरा देखो पॉइंट क्या क्या पढ़ा हमने तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं 21 का डी ओलंपिक जो 22 में हो रहा है ब्राज़ील में हो रहा है चौबीसवां एडिशन है ब्राज़ील में हुआ दोस्तों इसका इसका इसको किसने लॉन्च किया मतलब किसने ओपन किया तो मिशेल बल्स ठीक इसका मोटर था स्पोर्ट्स कम फ्रॉम द आवर हर्ट्स इसका मैस्कॉट था निनो नीन ठीक और फिर हमने क्या पढ़ा कि टोटल अट्ठारह स्पोर्ट्स खेले गए 226 इवेंट हुए 71 वन नेशन से 2349 एथलीट यहां पे पार्टिसिपेट किए मेडल टैली में यूक्रेन ने टॉप किया नंबर टू पे यूएसए नंबर थ्री पे ईरान नंबर फोर पे इंडिया आपके सामने पूरे पॉइंट ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अवार्ड्स एंड ऑनर्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन दोस्तों देखिए बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड दिया गया दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा इसकी कंप्लीट लिस्ट में बना नहीं पाया क्योंकि टाइम थोड़ा सुबह था, था नहीं आज मेरे पास और मैं देख रहा था बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी उतनी इंफॉर्मेशन को याद नहीं करनी होती है तो मैं मेन मेन पॉइंट फिर से बना के आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर या इसमें ऐड कर दूंगा मैं ठीक फिर भी कुछ तो बीटीएस एक, एक वो ग्रुप है बेसिकली और, और इसने तीन अवार्ड जीते इस बार बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में ठीक है देखिए दोस्तों एट द ट्वेंटी टू बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड बीटीएस क्रिएट हिस्ट्री बाई विनिंग थ्री आउट ऑफ सिक्स अवार्ड दे वी आर नॉमिनेटेड तो ये छ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे जिसमें से तीन अवार्ड इनको मिले इस बार बिलबोर्ड को अरे बी टी एस को मिले बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड की हम बात करें बी टी एस जो है कोरियन ग्रुप है इसको तीन अवार्ड मिले छह में नॉमिनी थे ठीक बी टी एस ऑल्सो नोन एज द बैंगटन बॉयज ठीक इज अ साउथ कोरिया बॉय बैंड दैट वॉज फॉर्म इन टेन एंड डब्लूड इन दर्टीन

सबसे ज्यादा अवार्ड मिले ओलिविया रोड्रिगो को मिले सात अवार्ड मिले और सबसे नॉमिनेशन था द वीकेंड का सेवनटीन नॉमिनेशन ये कुछ अच्छे पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है सबसे ज्यादा अवार्ड मिले ओलिविया रोड्रिगो को एंड मोस्ट नॉमिनेशन द वीकेंड को मिले हैं इसके बाद जो इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा क्योंकि 25-26 नाम थे बहुत बड़े थे तो मुझे उसे भी हल कर, वो करना पड़ेगा थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं डेज की बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे ठीक है ये अठारह मई को ऑब्जर्व किया गया मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया गया इस बार की थीम थी द पावर ऑफ म्यूजियम 1977 में से स्टार्ट किया गया था बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द म्यूजियम 1977 में बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द म्यूजियम दोस्तों स्टेट लेवल न्यूज की बात करें आपसे पहली इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों माई जी आप लोग तो जानते हैं आपने बहुत पढ़ा भी होगा माई जी हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह का प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन भी है जहां पर आप अपने आप को इनरोल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम समझ सकते हो और गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हो आप तो ये पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में इंट्रैक्शन का एक प्लेटफॉर्म है माई जी तो पहले माई जी लॉन्च हुआ था सेंट्रल लेवल पर और बाद में स्टेट लेवल पर लॉन्च होने लगा

माई जो भी कर्नाटका है क्या दोस्तों विल वर्क एज एन आइडिया क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एंड एम टू प्रमोट एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट इन द गवर्नेंस एंड द पॉलिसी मेकिंग यानी अगर आप एक्टिव सिटीजन हो तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ पॉइंट हैं जो कि असर कर सकते हैं हमारे देश में सोशल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट स्कीम्स में आप प्लीज साइड पर जाइए और अपने आइडियाज दीजिए आप ठीक है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही कर्नाटका कैपिटल बेंगलोर चीफ मिनिस्टर बसवराज जी गवर्नर थवरचंद गहलोत जी ठीक है दोस्तों चलिए तो ये था हमारा सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करिए और प्लीज कमेंट करिए हमें हमारा फीडबैक दीजिए लाइक करें वीडियो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और कहीं कहीं हम लैक करें तो वो हमें मालूम चल जाए ठीक है दोस्तों बैंक एग्जाम प्राइस हाइक होने वाला है ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात प्राइस हाइक होगा जरूर होगा मैं बता रहा हूं आपको तो आज लास्ट डे है दोस्तों आज लास्ट डे हमारे बैच में इनरोलमेंट करने के लिए ठीक है एक मेरा मेरे दो बैच चल रहे हैं तो तीन बजे शुरू हुआ है दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच और शाम को पाँच बजे शुरू हुआ है करंट अफेयर्स का बैच ऑन द अन प्लस प्लेटफॉर्म ठीक और हमारी पूरी टीम के बैच शुरू हुए भाई प्रीमैंस के बहुत बढ़िया बैच में लॉन्च किया है दोस्तों फीडबैक यूट्यूब पे आप देख सकते हो इसके और मैं बस यही बोलूंगा कि इस समय आपको 20 परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है और छ महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है छह महीने का मतलब क्या हुआ अगर आप इस समय अन परचेस करते हो तो आपको बीस का डिस्काउंट मिल गया फ्लैट डिस्काउंट कोड हमारा क्या है ए वी पी वन जीरो इसी से एडमिशन लेना है आपको ध्यान देना को ठीक है अच्छा इस अब आपने एडमिशन लिया चाहे एक साल के दो तो साल के लिए आपको छ मंथ का बेनिफिट और मिल मिलतेगा कब देखिए जब आप आपको एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा एग्जाम कि आपने एग्जाम दिया था नहीं हुआ सिलेक्शन कम से कम दो पचास आवर आपने पढ़ाई की कम से कम आपने पच्चीस लाइव टेस्ट दिए होंगे कम से कम पंद्रह लाइव मेन्स टेस्ट दिए होंगे आपने और वनली प्लस सब्सक्रिप्शन को ही ये फ़ायदा मिलेगा तो ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा ठीक है तो हमारा कोड है ए वी पॉइंट जीरो आज लास्ट डेट है देख लो भाई लोग आज के बाद फीस बढ़ जाएगी आपकी ठीक है और आप जब ज्वाइन करोगे हमारा बेस्ट तो कोर्स तो मिलेंगे आपको पी मिलेंगे उसके अलावा पाँच साल के पी मिलेंगे आपको आपको यहाँ पे हम लोग एसओ का बैच भी लॉन्च किए हैं आपको स्पीड टेस्ट मिलेगा हर एग्ज़ाम का ठीक ये सब कुछ आपको मिल रहा है आपको आज के डाउट फीचर मिलेगा अगर आपको डाउट होता है कुछ क्लास में पूछ नहीं पाए या फिर आप रिविजन कर रहे हो तो आप से अपना पूछ सकते हो अपने आप ठीक फीस तो है आपकी आठ हजार पांच सौ रुपए अगर आप एक साथ नहीं दे पा रहे हो तो आपके पास तीन सौ चौवन रुपए की ई बनेगी पर मंथ की बारह महीने की सात हजार एक सौ पचास रुपए और ई एम इसकी बनेगी पांच सौ छियानवे रुपए जीरो परसेंट ई दोस्तों आप अपने डेबिट कार्ड से एज एम आई भी पेमेंट कर सकते हो आप ये भी याद रखना ठीक है और ये पढ़ लो पहले आप आइकॉनिक की बात करें दोस्तों तो 24 महीने की हिसाब की है दस हजार रुपए और 12 मंथ की है आठ हजार पांच सौ रुपए ठीक है और इसमें भी आपको ए 10 वन जीरो लगाइए आपको 20 परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हाँ और इसमें भी आपको वही सेम कोड हमारा ट्वेंटी परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट ठीक है और ये आज के लिए है बस ध्यान देना मेरी बात को ठीक है इसके एमसीक्यूज़ के लिए हम कम मिलेंगे रात में टेन टेन पर अनअकेडमी स्पेशल पे थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों